फिल्म एक विलेन रिटर्न्स इसी वर्ष 29 जुलाई को रिलीज होने वाली है, जिसका दर्शकों को बेसब्री से इंतजार है। नमस्कार, द डेमोक्रेटिक मिरर देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ मीमांसा शिखावत। फिल्म एक विलेन रिटर्न्स 2014 में आई फिल्म एक विलेन का सीक्वल है, जिसमें अभिनेता सिद्धार्थ मल्होत्रा, रितेश देशमुख और अभिनेत्री श्रद्धा कपूर थी। इसका निर्देशन मोहित सूरी ने किया था। फिल्म एक विलेन रिटर्न्स में अभिनेत्री तारा सुतारिया, दिशा पाटनी और अभिनेता जॉन अब्राहम और अर्जुन कपूर हैं। इसका भी निर्देशन मोहित सूरी ने किया है और यह फिल्म टी सीरीज के बैनर तले बनी है। 30 जून को ही इसका ट्रेलर रिलीज हो चुका है, जिसने दर्शकों की उम्मीद बढ़ा दी है। इंडस्ट्री से भी कई सितारों ने इस पर अपनी प्रतिक्रिया दिखाई है, जिसमें मुख्य तौर पर अभिनेत्री आलिया भट्ट, कृति सेनन और अभिनेता आयुष्मान खुराना समेत कई लोग शामिल हैं। ट्रेलर रिलीज पर कई यूजर्स ने ये कहा कि अभिनेता सिद्धार्थ मल्होत्रा और अभिनेत्री श्रद्धा कपूर की फिल्म एक विलेन की जगह कोई नहीं ले सकता, तो वहीं कई लोगों ने इस पर खुशी भी जताई। फिल्म एक विलेन के संगीत की भी काफ़ी तारीफ हुई थी। सोमवार को एक विलेन रिटर्न्स का गाना गलियां रिलीज होने वाला है, जिसे गीतकार अंकित तिवारी ने गाया है। इसकी जानकारी फिल्म की स्टारकास्ट ने सोशल मीडिया हैंडल के जरिए दी। साथ ही साथ अपने सोशल मीडिया हैंडल के जरिए ही अभिनेत्री तारा सुतारिया ने यह जानकारी दी कि इस फिल्म में उनके द्वारा गाया गया गाना भी है। तारा सुतारिया, जिन्होंने स्टूडेंट ऑफ द ईयर 2 से बॉलीवुड में अपना कदम रखा था, उनकी गायकी भी काफ़ी सराहनीय रही है। फिल्म एक विलेन रिटर्न्स लगभग 50 करोड़ के बजट में बनी है। अगर यह वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें और अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में बताना ना भूलें। धन्यवाद।